हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं और एक क्रिएटिव आई मेकअप एंड मेकअप फेस मेकअप लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, NYB का ये फाउंडेशन है जिसे मैं अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पे। मैं इसे सेट कर रही हूँ पाउडर की मदद से, पूरे फेस को सेट कर लूँगी। थंबनेल से आप लोगों को तो पता लग ही गया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ आज। तो यहाँ पे पहले मैं पिज़्ज़ा का आउटलाइन बना लूँगी ताकि मुझे शेप समझ में आए कि मुझे कहाँ तक क्या करना होगा। तो पहले मैं इसका शेप बना लूँगी अच्छी तरीके से। यहाँ पे मैं एक येलो कलर ले रही हूँ, येलो कलर आई शेडो लेके फिंगर एंड ब्रश की मदद से इसे ब्लेंड कर दूंगी पूरे जो पिज़्ज़ा का जो मैंने बनाया है उसके अंदर। पिंच कलर लेके ऊपर के पोर्शन में मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी एंड जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़े वहाँ वहाँ मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी। एक ब्राउन शेड ले रही हूँ एंड इसके आउटर पोर्शन में इसे लगा रही हूँ। मैं उसे और ज़रा मतलब और डीप कर रही हूँ ताकि शेप बहुत अच्छा दिखे। ऊपर का जो ब्रेड का पोर्शन होता है वो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। शैडो लेके जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ मैं इसे वाइट आई शैडो लगा दूँगी। आपके जो मतलब मेकअप आप कर रहे हो यहाँ पे मैं जो कर रही हूँ, अगर आप कोशिश करोगे तो इसमें जो रियलिस्टिक एक बात है वो अच्छा लगता है, निखर के आता है। रेड कलर की आई शैडो ले रही हूँ, कुछ ऑरेंजिश टाइप का रेड है ये एंड यहाँ पे मैं सर्कल बना रही हूँ वाइट के ऊपर। में सॉसेज बहुत पसंद है तो आज मैं सॉसेज भी बनाऊँगी एंड तो यहाँ पे मैं एक लाइट रेड कलर लेके सर्कल बना रही हूँ एंड इसे इसके बाद मैं डीप ब्राउन एंड डीप रेड के मदद से इसे और डीप करूँगी। मैंने अभी एक लिप लाइनर लिया है एंड लिप लाइनर की मदद से इसका आउटलाइन बना लूँगी ताकि ये बहुत थोड़ा सा रियल दिखे। मैं डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ एंड इसे अप्लाई कर दूंगी ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखे।
व्हाइट कलर लेके डॉट डॉट करके एक छोटा सा मैंने स्टिक ले लिया था, इसकी मदद से डॉट डॉट करके दूंगी ताकि आप देखना हमेशा पिज़्ज़ा के ऊपर ऐसे ब्रेड क्रम्स लगे रहते। उसी तरीके की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे करने के एंड पूरे पिज़्ज़ा में भी कर दूँ। तो अभी बारी है शिमला मिर्च की। मुझे शिमला मिर्च भी पसंद है पिज़्ज़ा में, तो मैंने सोचा कि इसे खाली क्यों जाने दे, यहाँ पे शिमला मिर्च भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कैप्सिकम ऐड कर दे रही हूँ। एंड अभी जहाँ जहाँ मुझे लगे कि यहाँ पे खाली है, यहाँ पे थोड़ा योलो ज़रूरी है, यहाँ पे थोड़ा कलर लगेगा, उस पोर्शन में भी मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ। आउटलाइन है वहाँ पे मैं ब्राउन कलर अप्लाई कर लिया था ताकि थोड़ा मतलब ऐसा लगे कि बाहर आ रहा है पिज़्ज़ा ऐसा कुछ, इसीलिए मैंने वहाँ पर ब्राउन कलर ऐड कर लिया था। ये देखिए मैं सिंपल रखूँगी ऑरेंज एंड रेड कलर एंड थोड़ा सा ब्राउन कलर लेके सिंपल आई मेकअप करूंगी। के बाद मैंने ब्रॉन्जर, मस्कारा, हाइलाइटर एंड लाइनर सब कुछ अप्लाई कर लिया था मैंने एंड लिपस्टिक भी अप्लाई कर लिया था। लिपस्टिक मैंने यूज़ किया था फेसेस कनाडा का, तो आप देखते जाओ। तो सब कुछ हो चुका है, मैंने ये स्किप कर दिया, आप लोगों को पता ही है मैं कैसे करती हूँ ये सारी चीज़ें। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, मुझे पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना पिज़्ज़ा ही बना लिया जाए अपने फेस पे। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल। ऐसे रहना मेरे साथ, बने रहना मेरे साथ। थैंक यू सो मच गाइज़।